तो आज हम हिंदी विषय में एक कविता पढ़ने वाले हैं जो कि पांचवी कक्षा की है ना। तो ये सेकंड नंबर की कविता पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पेज नंबर 4 पे दी गई है। तो ठीक है, इस कविता के कवि है जो कि रोहित अश्व अस्थाना। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो बूंदे इस कविता में क्या बताया गया है कि किस तरह हम सभी के लिए बूंदे उपयोगी है। हम सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी ये बूंदे बरसेंगी या फिर जब भी ये बूंदे आएंगी तभी हम सबको इसकी मदद मिलेगी, है ना। जैसे कि जैसे गर्मी का सीज़न होता है, जब भी गर्मी होती है तो सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है और सभी जगह पर पानी की कमतरता होती है, सभी को पता है। क्योंकि जैसे कि कोई कोई छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर तो बहुत ही पानी की कठिन समस्या होती है, तो उसी कारण से गर्मी में सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हम लोग हमें जो कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोग खेती करते हैं, है ना। जैसे कि आप में से भी किसी के पेरेंट्स खेती करते होंगे, तो वही खेती करने के लिए भी एक तरह पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसी किसी खेत में पानी होता है और किसी किसी इसमें नहीं होता है, वैसे ही पेड़ पौधे और पशु पक्षी, है ना, और प्राणी, इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कविता के माध्यम से क्या बताया गया है कि बूंदें किस तरह बरसती है और वो किस किस को मदद करती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। रोहित अश्व अस्थाना जो कि कवि है, इन्होंने ये कविता में बूंदों का वर्णन किया है, है ना। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती गाती इटलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। तो देखो अब हम लोग अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास पेंसिल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कठिन शब्द आएंगे उसका मीनिंग लिखने के लिए। तो देखो, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। देखो जो बूंदे है वो कैसी आती है, मतलब रिम झिम हो के आती है ना। आप सभी को बताएं, जब भी कड़क बादल होते हैं, है ना, जैसे कि आसमान में बहुत से बादल छा जाते हैं, तो वो कैसे है? मतलब बरसने लगती है। जब भी वो कड़क बादल बन जाते हैं तो वो बरसने लगते हैं, तो इसी कारण वो जो बूंदे बरसती है तो वो कैसे आती है, इटलाती, मतलब जो नाचती गाती आती है ना, रिम झिम होकर आती है, उसका आवाज़ आता है ना। जैसे कि आपने पानी का आवाज़ सुना है, बूंदों का आवाज़ सुना है कि जब भी बरसते वो ऐसे रिम झिम होकर बरसती है, तो ये बूंदे बादल बनकर बरसती है। वो कहाँ पर बरसती है, धरती पर बरसती है। इसलिए कवि ने क्या बोला बताया है यहाँ पर कि धरती पर वो रिमझिम होकर बरसती है, है ना। तो जैसे कि आप बरसात के सीज़न में देखते हो, कभी कभी तो किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि जो बूंदे है वो बहुत देर मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग कि बहुत ज़ोर से बरसती है, और कभी कभी तो रिमझिम होकर स्लोली स्लोली मतलब थोड़ी थोड़ी बरसती है। तो
ये रिमझिम रिमझिम गाती हुई आती है ना, रिमझिम गाती हुई ये धरती पर आती है और वो बरसती है। उसके बाद में खेतों बागों मैदानों में देखो मैंने बताया है कि खेतों के लिए किस तरह ये पानी उपयोगी है, मतलब बूंदे उपयोगी है, क्योंकि जब भी ये बूंदे बरसेंगी तभी खेती करना आसान होगा, क्योंकि जब जब बूंदे ही नहीं आएंगी तो लोग खेती कैसे करेंगे, जो भी किसान है वो। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो चीज़ है वो क्या है, बूंदे है। तो खेतों के लिए सबसे उपयोगी है बूंदे। खेतों बागों, आपको पता है कि जब भी गर्मी का सीज़न होता है तो सभी बागों या फिर जो भी खाली जगह है या फिर खेती है तो ये क्या हो जाते हैं, सभी मुरझा जाते हैं, मतलब रूखे सूखे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बूंदों की ज़रूरत पड़ती है। और मैदानों में जो कि खाली वगैरह मैदान होते हैं उनके लिए भी बूंदों की ज़रूरत पड़ती है। देखो खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, खेतों बागों मैदानों के लिए सभी जगह सभी के लिए पानी की ज़रूरत है, मतलब जब भी बूंदे बरसेंगी तभी वो मतलब बढ़ने शुरू हो जाएंगे और उनमें जो हरियाली है वो आ जाएंगी, सभी जगह पर हरे भरे दृश्य दिखाई देंगे। सबको पता है कि जब भी वर्षा आती है तो बूंदे लेकर आती है ना, तो उसके बाद से जो मौसम है तो सभी जगह पर हरियाली छा जाती है, ये किसके कारण होता है, बूंदों के कारण होता है। तो खेतों बागों मैदानों में सभी जगह पर हरियाली फैल जाती है। उसके बाद में धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, तो धरती से जो भी बूंदे बरसती है पानी बरसता है तो ये कहाँ पर मिल जाता है, आपके घर में भी किसी किसी के घर में कुएँ होते हैं छोटे छोटे, या फिर खेत में तो कुएँ होते ही हैं, और बाकी जगह पर जो कि छोटे छोटे नाले होते हैं ना जहाँ से पानी बहता है, नालों नदियों में, और नदियों में से जो पानी बहता है तो वो कहाँ से आता है, जो कि मतलब आसमान से आता है ना, बादल बनकर बूंदे बरसती है, तो इसी कारण से सभी नालों नदियों और कुएँ जो कि भर जाते हैं और इससे वो बहने लगते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, वो जो भी पानी है धरती से जो आता है, धरती पर जो आता है वो नालों से बहता है और नालों नदी से बहकर वो सागर में सभी तरह से वो घुल मिल जाता है। इससे क्या होती है, सागर में वो मिल जाता है और वो बहता रहता है ना, तो सभी नालों नदियों भरकर सागर में मिलजुल जाता है। उसी तरह गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, देखो जिन लोगों मतलब मैंने पहले ही बताया था कि गर्मी के सीज़न में कि हम लोगों को कैसे परेशानियाँ होती है किसके कारण, गर्मी के कारण, क्योंकि सूरज ज़्यादा तपता है तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे है ना, तो जो भी लोग गर्मी से परेशान हैं उनको क्या करती है, शीतलता यानी ठंडक पहुंचाती है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शब्द दिखाई दे रहा है ठंडक शीतलता यानी ठंडक, जो भी गर्मी से परेशान लोग हैं उनको पानी की ज़रूरत है, उनको क्या पानी बूंदे पानी पहुँचाता है ना, तो सभी को वो क्या करते हैं, ठंडक पहुंचाती है और वो लोग भी मतलब अच्छे से उसकी मदद ले सकते हैं। तो इसी तरह वो सबको शीतलता पहुंचाता है, कौन बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल, ये तो देखो मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, देखो हर्षाती यानी मतलब सबका मन जीत लेती है ना। आप सभी ने देखा है कि हम लोग मतलब जब भी बूंदे आती है तो सब लोग खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं, सभी ने देखा है। अगर हमारे इधर भी जब भी बूंदे बरसती है तो हम भी क्या करते हैं, सभी लोग नाचने लगते हैं जब भी पहली बार बूंदे आती है तो, है ना।
उसी तरह मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, जो कि ये प्राणी है ना, आपने देखा है कि मेंढक किस तरह खुशी से चमकुट्टी, मतलब वो क्या करती है, ऐसे आवाज़ निकालने लगती है जैसे कि ट्याव ट्याव, है ना, आपने देखा है। तो मेंढक मोर, मोर क्या करता है, जो कि हरे भरे मैदानों में नाचता है ना, जब बूंदे बरसती है तो वो खुशी से खिल उठते हैं, तो इसी कारण से वो नाचने लगता है। पपीहे कोयल, ये भी अपना कूकू जैसा आवाज़ निकालती है, पपीहे तो आपने देखे है और कोयल भी कैसी आवाज़ निकालती है, जो कि पेड़ों वृक्षों पर रहती है वो, तो कूकू करके ऐसे आवाज़ निकालती है। क्यों, किसके कारण, ये उस खुशी के कारण, क्योंकि जब बूंदे आती है तो सबका मन खुशी से प्रसन्न हो जाता है, तो इसीलिए मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षा लेती है बूंदे, है ना। उसी तरह पूर्वाही के रथ पर चढ़कर, हर्षाती यानी सबका मन प्रसन्न कर लेती है, पूर्वाही के रथ पर चढ़कर इटलाती गाती, सॉरी इटलाती मुस्काती बूंदे। देखो, पूर्वाही के रथ पर चढ़कर, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, जो कि पूर्व की ओर से बहने वाली हवा है, उस पर चढ़कर जो बूंदे हैं, जो कि पूर्व की ओर से बहने वाली हवा है, उसमें सभी लोग नाचने लगते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर नाचने लगते हैं, और ये प्राणी मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, वैसे ही पूर्वाही के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती है बूंदे, ये बूंदे पूर्व की ओर से जो आने वाली हवा है उस पर चढ़कर इटलाती है, यानी अपने नखरे दिखाती है, मुस्काती है, गाती है, नाचती है, है ना। तो इसी तरह वो जैसे कि मानो एक हमारे लिए जो कि हमारे लिए ड्रीम की तरह, जब भी वो आती है सबका मन प्रसन्न कर लेती है, और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होती है, और हमारे आजू बाजू में जो भी खेती करने वाले लोग हैं वो वो भी खुशी से खिल उठते हैं, वो भी अपनी खेती करने लगते हैं, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करते हैं, है ना, तो सबका मन वो हर्षा लेती है। तो इसी तरह इस कविता में जो बूंदे, इस कविता में बताया गया है कि किस तरह से बूंदे बरसती है, और सबके लिए कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है ये बूंदे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना, सबको समझ में आया, ओके स्टूडेंट्स।